أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. अहले किताब, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों को? और तुम खुद जानते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों पर बाखबर है। आप कह दीजिए, अहले किताब, तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों रुकावटें पैदा करते हो? जो ईमान लाते हो उनको उस रास्ते में जो टेढ़ापन पैदा करना चाहते हो, और तुम खुद जानते पूछते हो अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। अय ईमान वालों, अगर तुम इन अहले किताब की बात को मान लोगे, जिनको किताब दी गई थी इनकी किताब मान लोगे, तो तुमको ईमान से फेर देंगे, तुमको काफिर बना देंगे। तुम कैसे अल्लाह की से कुफर करते हो जबकि तुम पर अल्लाह के दिन तिलावत की सुनाई जा रही है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, और जो भी अल्लाह के दिन को मजबूती से पकड़ लेगा तो अल्लाह ताला उसको सही रास्ते की रहनुमाई करेंगे, सही रास्ते पर उसको चलाएंगे। अरे ईमान वालों, अल्लाह से डरो जिसे डरने का हक़ है, और तुम तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और फूट न डालो, और अल्लाह के एहसान को याद करो जबकि तुम आपस में दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा की और अल्लाह की नेमत से तुम अल्लाह के बदले तुम आपस में भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए गड़े के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको बजा लिया। इस तरह अल्लाह अपने तुम्हें खोल खुल कर बयान करता है ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। तो ये जो पहली आयतें हैं, इससे पहले अहले किताब का जिक्र चल रहा था, तो अहले किताब के जो गलत अकीदे गलत अमाल हैं उसको कुरान बयान करके रद्द करता है। तो कुरान का एक मौजू ये है, जितने भी गलत फिरके हैं उनकी अकीदे बयान करके रद्द करना। क्या सब इनका बोलते हैं इनका उनका कट गए, भाई कुरान का एक टॉपिक हुई, गलत अकायद गलत अफकार जिसके भी उसको बयान करो उसको रद्द करो। तो आज इनका उनका ठाकुर करते पड़ते हैं, जो यूँ करे ये नहीं करे। कुरान का टॉपिक, कुरान में जो चार गलत फिरके थे, यहूद नसारा मुशरिकीन और मुनाफिकीन, उनके गलत अकायद को बयान किया गया है, उनका तामाल को बयान किया गया, उनको फिर इसलिए ताकि वो लौट कर आएँ। तब यहाँ बड़े अच्छे अंदाज से फरमाया जा रहा है, किताब तुम कैसे अल्लाह क्या तुम इनकार करते हो, तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है तौरात इंजील के अंदर, ये नबी ऐसा आने वाले हैं, वो हैं, ये हैं, तुम जानते पूछते करो अल्लाह उस शहीद अलामत, तुम जो करें अल्लाह देख रहा है। फिर अहले किताब, तुम कैसे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो? अल्लाह के दीन से ऐसे शख्स को जो ईमान ला चुका है उससे कजी उसके अंदर ऐसी बातें ढूंढते हो कि वो खुद भी वापस फिर जाए, ये कोशिश करती थी जो लोग ईमान लाए उन्हें फिर जाना, ये राज कुछ होती थी। और तुम खुद जानते पूछते हो, ऐसा नहीं तुमको मालूम नहीं, जानबूझ कर काम कर रहे हो लोग, मालूम है
तब यहाँ जो वाक्य पेश आया था, तमाम मुफसिर ने लिखा है यहूद शम्मास बिन कैस एक बहुत बड़ा कीना रखने वाला था मुसलमानों से, तो औस खजरत जो ईमान लाए थे अभी अल्लाह के मक्का में थे, ये दो कबीले आपको ईमान लाए थे। आज होता था ना आज के मौके पर आते जलो वहाँ सब इन्होंने भी आए क्या कि लेकिन उनके आवाज में ऐसा नबी हैं कि नबी के लिए नबी का नबूवत का दावा करेंगे, छुप को कुछ दोगा बैत करें। इसके बाद दूसरे साल आए 12 आदमी आ गए बैत अकबा उला एक बैत भी, फिर वहाँ जाके घर घर चर्चा हुआ कि चलोगा जाको बैत होते उनसे वहाँ एक ले नबी हैं। फिर दूसरे साल कितने 70 के ऊपर 73 लोग आके और बैत हो गए, तो आके बोले कि अल्लाह के रसूल आपको इतना जो है लोग जो है तकलीफें दे रहे हैं इज़ाएँ दे रहे हैं, आपका जीना दोबर कर दिया है, आप हमारे पास चक्कर क्या जाएँ। तो बोले कि मुझे अभी हुक्म नहीं मिला है, हुक्म मैं आ जाऊँ। तो फिर अल्लाह के हिजरत का हुक्म होता है, तो फिर जो है आप उनको पूछते हैं अल्लाह के रसूल तो जो है अगर तुम्हें जो है इस तरह हिफाजत करनी चाहिए तुम अपनी जान माल की हिफाजत करो वैसे तुम्हें हिफाजत करोगे तो मैं आऊँगा। बोलते हैं हाँ बस हिफाजत करने तैयार हैं, देखो अनसार कैसे थे। उसके बाद पूछते हैं अगर अनसार पूछते हैं इसके बाद हमको अगर हम सब कुछ करें तो हमको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा बस जन्नत मिलेगी। तो आखिरत का अकीदा जितना उनके दिल किसी दिल के मजबूत होता है वही आदमी काम करेगा, वरना तो काम नहीं करेगा। मेरे मेरे इंतकाल के बाद या मेरे बाद तुम खलीफा बनोगे वो बनोगे दुनिया के ये बोला नहीं लगा मालूम अलग सब हासिल हुआ नहीं, जब फतवा शुरू हो गई सब कुछ हासिल हुआ, देख रहे सब चीज़ हासिल हो गई उनको जो कुछ मिलना था सब कुछ मिल गया उनको। तो लेकिन लक्ष्य वो नहीं बोले उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं, तुमको मरने के बाद जन्नत मिलेगी उसके लिए तुम तैयार रहता हो नहीं तो जाओ। हाँ हम तैयार हैं। तो आज भी जो आदमी के दिल में आखिरत का अकीदा मजबूती से है वही काम ले तो काम कर सकता था। की करना सब सुबह उठ करने क्या जरूरत, आराम मत सोते इनके पास बैठ कर सुनने में क्या मिलने वाला। इतनी कुर्बानी देना नफ्स की कुर्बानी देना पहले यहाँ पर सबसे बड़ी कुर्बानी नफ्स की है, बोलो छोड़ आना तो अपने जो काम है उस कामों को प्राइमरी इसको समझ के आएगा तो चादर से नहीं आता उन्हें काम नहीं इनको काम नहीं वहाँ से आना। देखो नहीं भाई दीन की सही बात मालूम होगी, सही बात मालूम होगी तो हम कल जन्नत में जाएंगे, नहीं तो क्या होने वाला भटक रहे। देखो आज 73 फिरके और सब फिरके हो गए, 73 फिरके सब फिरके हो गए, फिरकों के फिरके सब मौजूद हैं जो अलग पेश भी किए थे। सबका मकसद क्या, मेरा फिरका चले, मेरा फिरका मेरी जमात चले। कल सुनाया था वाक्य देखेंगे रहमतुल्लाह अलैह का, मदरसा मकसूद नहीं हमको, अल्लाह की रजा मकसूद है। मस्जिद बना ली देखो, किसी जगह मस्जिद बनाई लोगों ने, मस्जिद ज़रात क्या बोलना चाहिए उसके सिवा, अल्लाह की रजा मकसूद नहीं हमको, मस्जिद बना बस। कैसे भी जगह किसका भी जगह रहता कि नहीं, कैसी भी रहती काम होता कि नहीं, कुछ अल्लाह की रजा हासिल करना मकसद है ही नहीं लोगों का मालूम है। जिद पर बनाने वाली चीज़ दीन क्या है, अल्लाह की रजा को मकसद करके काम करना है। अल्लाह की रजा का मकाम कौन सा है, जन्नत बोलती है क्या आती बोले, अल्लाह की रजा मकाम जन्नत है। किसको जन्नत में जाने वालों को अल्लाह की रजा हासिल होगी, जन्नत में जाने वालों को अल्लाह की रजा हासिल नहीं होगी। जन्नत अल्लाह की रजा का मकाम है, इतने हवा जी मिलते उतना वहाँ वहाँ गए तो तुम्हें अल्लाह की रजा मिलेगी। तुम ये हम जन्नत में जाते देख ला बोल रहा है कुछ जो क्या है सही रास्ते हटे सूफी रहते ना, जन्नत गिन्नत नहीं चाहिए हमको, अरे जन्नत नहीं चाहिए। तुम्हें हमारे घर को आगे तुम्हारे घर को नहीं आता जिम्मे कहता तुमने गुस्सा आता कि नहीं, तुम बोलो तो हमारे घर को आगे नहीं आता इसमें नहीं सर तुमने चिमे छोड़ा जमाना भाई भाई मैं मेरे घर में है तुम आज तो कुछ बोल रहा अरे नको मैं नहीं आता तुम्हारे कैसा उल्टा काम है। कितना जिक्र है जन्नत उजर का, कुरान के सफ़े से जन्नत उजर का जिक्र है। जन्नत अल्लाह की रजा का मकाम है, जहन्नम अल्लाह की गज़ब का मकाम है, और क्या चाहिए। तो वो जो है यानी यहूदी आके जो है उन लोगों को जो दोनों ईमान कबूल करे थे दोनों कबीले उनको जो है आई सजा को वो शायरी बुजुर्गदार खेलती थी ना शायरी में क्या अपने जंग के वाक़ात ये करे से वो बहादुरी उनकी सब वो बयान करने लगा। दोनों कबीले इस्लाम कबूल नहीं करे थे आपस में जंग लड़ते थे, उनकी एक जंग है जिक्र नहीं किया, जंग बुआस के नाम से जंग 120 साल लड़ते रहे, 120 का सबसे लड़ते हैं इन्हें मार गया इसका बेटा, इन्हें मार गया इसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, चलो
छोड़ने का नहीं, वो कंटिन्यूसली चढ़ते रहने का जंग। तो वो जाके यहूदी इंद्र को दोनों जने बैठ को क्या देख रहा था उन्हें, क्या इतना मोहब्बत से दोनों जिसने क्यों लड़ा इनको, तो वो आहिस्ता चेहरा शुरू करा एकदम, वो नक्शा आ गया उनको आगा। फिर अंदर की जो थोड़ी चिंगारी जो बुझी थी थोड़ा थोड़ा भड़कने लगी वो चिंगारी। फखरिया अशार इनके मजलिस में पढ़ने लगे, चुनाचे अशार पढ़ना था, अशार से जोश आता ना आदमी थोड़े भाई उस पीछे की थोड़ी सी बातें याद आ गया उनको, चलो फिर मुकाबला करेंगे देखेंगे, कर बोल को तैयार होगा वहाँ से। वक्त और मौका तय कर लिया वहाँ से, दो कबीले जो ईमान कबूल किए थे इन्हें जाकर भड़काने से उन तैयार होकर अलग अलग फौरन खबर मिल गया, अलग अलग चंद साहब अगले कहाँ तेरी कैसी जहलत की पुकारती, बोले तो तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ वही फरमा जा रहा था। कहे फतक पुन तुम कैसे कुफर करोगे जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत सुनाई जा रही तुम लोगों को, वो फीकुम रसूल हो और अल्लाह का रसूल मौजूद तुम्हारे दरमियान, मैं मौजूद तुम क्या कर रहे। एकदम उनको जो पर्दा आ गया था जो जोश आ गया था सब ठंडा पड़ गया वहाँ से, अरे बहुत बड़ी गलती है हमारी, वो आँख उन्हें भड़का था कोई ने अपने आँख भड़काने जैसा हुआ था, तो फिर गले मिलकर रोना शुरू कर दे सब। तो आगे फरमा जा रहा है वमा यह तस्सीम बिल्ला जो अल्लाह को मस्जिद थाम लेगा उसको अल्लाह सही रास्ते पर चलाएंगे। अल्लाह को थाम लेना अल्लाह के दीन को थाम लेना अल्लाह की किताब को थाम लेना है, वही जिक्र आ रहा है। ईमान वालों अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए दो चीज़ें, सबका मुसलमानों को तंबी की गई थी अहले किताब और दूसरे लोग, अहले किताब तो यहाँ नहीं है, तो बहुत कम है दुनिया के लेवल पर, तो ही छोड़ो वर्ल्ड लेवल पर तो उन्होंने सब फितने पैदा कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसके अलावा भी जो गुमराह करने वाले ही मौजूद हैं अहले किताब से बढ़ते हमारे जो मुसलमानों की अहले किताब क्या कर रहे हैं। अभी 28 तारीख है आज ही जो कमाने दाल छोड़े उन्होंने, तैयारी मुहर्रम की से चल रही है, मुहर्रम शुरू से नहीं हुआ अभी उसकी एडवांस तैयारी। क्या करना चाहते हैं फिर लोग कुफर शिर्क में तुमको मुब्तला करना चाहते हैं, तो जो भी गुमराह तुम्हें मुब्तला करना चाहते हैं इनकी गुमराही से बाखबर रहो। दो चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह का तकवा है और दूसरा इत्तेहाद इत्तेफाक, इससे तुम्हारी मुसलमानों की ताकत जो है इत्तेहाद इत्तेफाक के अंदर है, टूटे फूटे क्या कर सकते। तो आज सब टूट फूट चुके, कोई किससे मिलना चाहता नहीं, सामने मकसद होता है ये मकसद रहता हो, ये मकसद रहता हो, कई का मकसद है तुम्हारा। तो सब किताब को छोड़ने का नतीजा हुआ है, तो अल्लाह की किताब, खुद दिल में तकवा नहीं है, हाथ में अल्लाह की किताब नहीं, दो चीज़ें बना रहता है। अरे मानो अल्लाह का तकवा इख्तियार को जैसा तकवा इख्तियार करना है, और तुम्हें मौत ना आए बगैर साल में तुम मुसलमान हो, तुम सब मिलकर अल्लाह के रस्मों से पकड़े रहो और उसमें फूट ना डालो। उनको तो कहा गया हो लेकिन पूरे क़यामत तक के मुसलमानों की दिल में अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला हो, शरीयत के खिलाफ जिस चीज़ से बचने वाला हो, जब इत्तेहाद होता है उन्होंने कहाँ बचते हैं, इत्तेहाद कैसा होता बोलो, ये इत्तेहाद पैदा करेंगे जी इत्तेहाद, तुम्हारे तुम्हें रख लो हमारा में ऐसा कैसे इत्तेहाद होता कैसे, तुम्हारे साथ तुम्हें हमारे साथ हमें, तुम हुरम तिप करो तुम्हें दरगाह करो और सब बिल्कुल बैठेंगे, अरे कैसा बैठ सकते, ये तो शिर्क कुफर में फंसा हुआ आदमी है बोल रहे हैं, क्या करते कि नहीं करते नहीं हमारा हमें करने का। तो आज इत्तेहाद बिल्कुल नामुमकिन बात से नजर आती, जब तक तकवा नहीं, तकवा पैदा होगा तब लोगों में इत्तेहाद कैसा पता, पहले तकवा पैदा हुआ था, सहाबा कराम में जो तकवा पैदा हुआ था, इत्तेहाद की बुनियाद तो क्या फरमाया अल्लाह ताला, तकवा है, तकवा को तो नको दूरी छट छोड़ते हैं, तकवी छट छोड़ने का नको तकवा नको, तुम जो काम कर रहे हो क्या बना दो इसकी कुछ बुनियाद नहीं, फिर उसकी बुनियाद है धर्म की बुनियाद है, क्या जो काम कर रहे हो उसकी कोई बुनियाद ही नहीं, बस बज़ाहिर लोगों को जो है अट्रैक्ट करके अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो तुम और कुछ नहीं। तो फरमाया अल्लाह से जैसे डरने का, सिर्फ डरना ही नहीं बल्कि डरने का जैसा कुछ डरो, वला तमुतुन इल्ला वंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर साल में तुम के मुसलमान हो। मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत के लिए दो उसूल हैं, तकवा और इत्तेफाक। पहला उसूल जो बताया गया है वो अल्लाह का तकवा है, और सिर्फ तकवा नहीं बल्कि हक के तकवा है, तकवा के माने असल में बचने की, किससे बचना, जो चीज़ डरने की, क्या डरना है, अल्लाह का अज़ाब डरना है, अल्लाह के अज़ाब डरना है, तो इसलिए तकवा और खौफ
अल्टरनेट को देते, इसकी वजह खुदा का खौफ है, वही जो है बच्चे का नहीं तो बच्चे का नहीं आता। तो सबसे पहला बुनियादी तकवा क्या है? कुफ्र शिर्क से बचना है, बुनियादी तकवा नहीं। बेसिक तकवा क्या है? कुफ्र शिर्क से बचो। वो हासिल नहीं हुई उम्मत को, क्या कर रहे हैं, क्या काम करा रहे हैं उम्मत को, जो है तकवे से हटा रहे हैं लोग। पूरी मेहनत चल रही थी, अब ऐसा कितने जाए लोग, क्या इल्म नहीं है, फौरन चले गए दरगाह उर्सों को, इसे मुहर्रम को, देखा एक बार बहुत शानदार हुआ जी क्या शानदार किस तरह से कर रहे हैं लोग, करने वाले कोई हैं ये लप्पा कल्लप्पा कर रहे हैं, तो मुसलमान नाम के लोग करा रहे हैं। तो नाम से अल्लाह ताला धोखा नहीं खाता है, अल्लाह ताला को नाम से धोखा देना चाहते हैं क्या लोग? नहीं हो सकता। तो हमारे लोग ये सब काम करने वाले, ये क्या है? वो उठाने में गणेश बढ़ाने में क्या फ़र्क है? तो कुछ गणेश की लोग मूर्तियाँ, अब तो गणेश का फैसला आता उसको, गणेश की मूर्तियाँ जगह बैठाते हैं हम लोग बेचारे, अब क्या है डेकोरेशन रखना था, देखो एक मस्जिद के बाद बड़ा खड़ा कौन, उन्होंने इन्होंने हमारे मस्जिद के बाजू ही बैठा दिया, क्या फ़र्क है उसे, फर्क ही नहीं मालूम उसे ताजी बैठाने में, वो क्या फर्क है मस्जिद के बाद गणेश मूर्तियाँ बटक पड़ा कुबली का वाक्य, बताओ क्या है, क्या रहा दिन है? खुश होते ना, चलो ना हमें सभी की चले निम देवर दे नम देवर गए। अरे दीन तो बुनियाद ला इल्ला क्या सिखाया, कलिमा अल्लाह के रसूल क्या दावत देकर गए थे, क्या आपकी दावत थी? ला इल्ला इल्लल्लाह का कलिमा था, नहीं माबूद पहले तो नहीं है, उसके बाद इल्लल्लाह। तमाम झूठे माबूदों को, झूठे माबूदों की नफी के बाद ही इल्लल्लाह काम आएगा, अल्लाह के बगैर इल्लल्लाह कोई फ़ायदा नहीं देगा। मैं मानते ले अल्लाह कभी मानने वाले क्या? अरे नहीं, पहले ला निकालो उसके बाद इल्लल्लाह आएगा तुम्हारा। तो आज देख रहे हैं किस तरह से जो है दीन का बुनियादी अकीदे को पामाल किया जा रहा है। तो हक का तकवा क्या है? अदना दर्जा कुफ्र शिर्क से बचना है। इसके इस लिहाज के हर मुसलमान तो मुत्तकी होना चाहिए, मुसलमान अगर है तो उसके बाद गुनाहों से, तमाम गुनाहों से बचना है। ये चीज़ें शरीयत ने मना की हैं, सख्ती से मना की हैं, शराब सूद जिना ये सब चीज़ें, तो उसके बाद कुछ चीज़ें मुश्तबात डाउटफुल हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें जायज़ हैं लेकिन कसरत इस्तेमाल जायज़ का वो भी इंसान को हराम की तरफ माइल कर देता है, उसको जो है नेक काम से रोक देता है। बाद में खाना खूब मस्त खा लिया, रात में खाना ज़्यादा खाते नहीं होते नहीं हुआ जिसमें वो अच्छा खाना, अच्छा खाना तो सब चीज़ें अपनी, उसके लिए सेहत भी ख़राब हो जाएगी ज़्यादा खाने के बाद वो भी। तो हर चीज़ को कसरत मुबाहात भी तकवे में शामिल, कसरत मुबाहात से बचना, कसरत मुबाहात का इस्तेमाल जो है कितना ज़्यादा होता है बस। तो ये तकवे के मुख्तलिफ दर्जात हैं, सबसे पहला दर्जा ही हासिल नहीं है, ये देखो अफसोस जो कर रहा हूँ मैं आपको, पहला दर्जा ही तकवे का हासिल नहीं है। तो दीन से चलेगी उम्मत, उम्मत कैसे, दीन चला गया, वला तमूतुन्ना इल्ला नमरुतुम मगर इस्लाम के रत्न। अरे मौत तो इख्तियार में, मौत इख्तियार में, जीना तो इख्तियार में है क्या? नहीं, जब तक ज़िंदगी है उस वक्त तो है। तो जो आदमी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का इख्तियार करेगा उसकी मौत भी तकवे पर आएगी, ये अल्लाह का उसूल। कमा तय होना तमू तो ना, जिस साल में तुम ज़िंदगी बसर करोगे उसी में तुम्हारी मौत आएगी। देखो ना वो मरना पढ़ाते थे, उन्होंने आखिर तक मुहर्रम करते करते मर गया आखिर तक। हम बोले क्या कर सकते हैं, मतलब उस्ताद थे पढ़ाने वाले, बोले मुहर्रम करते करते ही मर गया, आखिर तक करता हेलो छोड़ा नहीं, जिस साल में तुम ज़िंदगी बसर करोगे उसी साल तुम्हारी मौत आएगी। तो जो इसलिए सही अकीदा रखो, सही अमल अख्तियार करो, उस साल में तुम्हारी मौत आएगी। क्या देखेंगे लोग, देखेंगे तो कब तक देखेंगे, कब आती मौत क्या मालूम है, मौत आने का कोई ये नहीं है, वक्त और जगह लिखा हुआ नहीं है, कब आती अल्लाह ही जानने वाला है। मौत के लिए कोई ये नहीं, कोई बहाना काफ़ी होता है, थोड़ा सा कुछ हो गया वो जरा सा रास्ते में जाते एक्सीडेंट हो गया ख़त्म, कितने लोग रात दिन देखते। ये बहुत उम्र नहीं थी जी, उम्र की क्यों, ज़िंदगी में आया तो क्या मौत ही लेकर उसके बाद जाना ही इंसान, कोई ऐसी उम्र नहीं कि इतनी उम्र के बाद मौत आना कर कहाँ है। उम्र के बाद तो ख़त्म ही हुआ समझो, 60 साल हो गया तो ख़त्म ही हुआ उसका एक्सपायरी, वो दवाओं पर लिखते ना एक्सपायरी डेट समझो 60 साल के बाद। तो उम्मत की आम उम्र है 60 और 70 के दरमियान है, 60 आई
तो समझो कि एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी डेट भेज दी करो, तुम इसको लिखे होते तो समझ लेते, जो भी उम्र मिल रही है वो तुम्हारे लिए ग्रेस उम्र है, 60 साल के बाद की उम्र है, उसको भी आदमी पहुँच जा रहा उधर, पहुँच गलत काम गलत, तो जैसे जिंदगी लगा है, जवानी लगा है, वो सच जिसको जवानी के अंदर जो है अल्लाह की तरफ झुकने की तौफीक नहीं हुई, ताल्लुक माल्ला नहीं पैदा हुआ, बड़ा पे होता था नहीं, जिसको जिसने जवानी में अल्लाह से ताल्लुक नहीं पैदा, बड़ा पे क्या पैदा होता नहीं होता, बहुत खतरनाक बात है। अभी ताल्लुक पैदा करो अल्लाह से, अभी तौबा करो, बुढ़ापा मच जाता नहीं, वो करते रहते मौज करते रहते वोच करते रहते, तो वला तमूतुन इल्ला वंतुम मुस्लिमून, मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तो क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी, असल कामयाबी क्या है, असल नहीं बड़ी क्या, सबसे कामयाबी है कि ईमान से दुनिया से जाए आदमी, सब कराए दुनिया के काम कराए बहुत करा, लेकिन खातिमा किस पर हुआ, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दार मदार खातिमे पर है, एक हदीस वो है इन्नमल आमालु बिल नियात, आमाल नियतों पर है, अजर किस पर मिलता है वो है, और यहाँ रिजल्ट किस पर है, खातिमा किस पर हो रहा है, उस पर रिजल्ट है, तुम्हारा खातिमा ईमान पर हुआ बस पास हो गया, खातिमा ईमान पर नहीं हुआ फेल हो गया बस, पास फेल यहाँ कर सकते थे मैं तो खातिमा ईमान पर क्या करना है, ये मेहनत करना है दीन पर कायम रहने की, दीन को कब कायम रहेगा, दीन को सही जाना, सही जाना जो क्या करता हूँ, किधर तुम किसकी तुम पलट जा रहा हो, दीन को सही जानना, दीन का इल्म हासिल कभी भी मुमकिन नहीं है, तो जो लोग सही जानने वाले हैं उनके पास गया तो सही मिलता है, गलत जानने वाले गलत मिलता है, दुकानदार के पास दुकान कौन सी दुकान है वो मिलने वाला, कौन सी दुकान लाग बैठे हो ना वो दुकान मिलती है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सिर्फ ये बताया कि जो है अल्लाह से ताल्लुक जुड़ना है, इसके सिवा कोई ताल्लुक हमारा नहीं, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से जुड़ने के लिए अल्लाह से सही अकीदा हो, सही अमल हो, दीन पूरे दिन का खुलासा क्या है एनालाइज करके देखो, एक तो सही अकीदा है, सही अमल, सही अकीदा अख्तियार करो, सही अमल अख्तियार करो, अल्लाह ताला मुझे आपको सही अकीदा से कायम रखे, इसी पर हमारा खात्मा करें, والصلاه والسلام على رسول الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله